बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 57 रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैथमेटिक्स 10 है और यूनिट 2 है। और 2.7 के हम जिस क्वेश्चन पर अभी बात करने लगे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। 2.7 के मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवाने हैं, और ये इस तरह के क्वेश्चन हैं कि एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा करेंगे तो वीडियो की लेंथ ज़रा बड़ी हो जाती है, फिर उसमें प्रॉब्लम होता है अपलोडिंग में भी। तो एक लेक्चर में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये दोनों, ये थर्ड टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन 5 और 6 आएंगे, ये 5, और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में क्वेश्चन 6 करवाता हूँ। इसमें है ये कि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इससे पहले हमने जो बात की थी उसमें ये था कि दो एक लीनियर थी, एक क्वाड्रेटिक थी। हमने लीनियर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके तो क्वाड्रेटिक में प्लेस की थी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इवन एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका स्क्वायर। तो पहले तो हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद देखें कि इसका क्या किया जा सकता है। देखें ज़रा, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सही है। हमने इस लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका मैं स्क्वायर ओपन करने लगा, एक्स स्क्वायर, आपको स्क्वायर ओपन करना आता है बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ गया इज इक्वल टू 10। अब अगर इधर प्लस 1 है तो क्वालिटी की उस तरफ आज जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो 9 बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन 3। अब ये वाली इंपॉर्टेंट वो इक्वेशन नहीं है, ये नहीं कि इसको मार्क कर लेना आपने। अब ये वाली ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब अगर आप ज़रा ध्यान दें, मैं रेड से अंडरलाइन कर दूं, अगर आप ज़रा ध्यान दें तो ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये भी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, लेकिन इसमें 4x है और इसमें क्या है, माइनस 2y, बाकी इसमें कांस्टेंट 1 और इसमें 9 है। कुछ दो बातें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सेम है। कौन कौन सी? ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अगर ऐसा आ जाए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं वो सेम हों, तो किसी एक से किसी दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर लेते होते हैं, तो वो दोनों क्वाड्रेटिक जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये भी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अगर ऐसा हो जाए कि जिन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हों अगर उनकी क्वाड्रेटिक टर्म सेम हो, तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो जाती हैं। ठीक, हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 3 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 3 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने लिखा फ्रॉम 2 तो 2 पहले और ये बाद में, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन क्या होते हैं, चेंज, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। ये पहले प्लस था, चेंज होके माइनस हुआ, पहले प्लस था चेंज होके क्या होगा माइनस, पहले माइनस था चेंज होके क्या होगा प्लस, ये पहले प्लस है चेंज होके क्या हो गया माइनस। तो मैंने साइन चेंज किए, जब चेंज किए तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसल्ड, वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कैंसल्ड। देखें वो जो स्क्वेयर वाली टर्म थी, जो क्वाड्रेटिक टर्म थी, वो सारी कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या रह गया 4x प्लस 2y। तो मैं लिखने लगा हूं
फोर एक्स प्लस टू वाई। अब जाहिर है ये ऐड एक्स और वाई ऐड नहीं होते, तो मैंने इसको कैसे लिखा, फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन माइनस नाइन, कितना बनेगा माइनस एट। ओके, इन दोनों से ना टू कॉमन आ रहा है, ले कॉमन, टू आप कॉमन लेंगे तो मेरे पास बनेगा टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एट। ये टू इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एट को टू पर डिवाइड करेंगे तो फोर मैंने डायरेक्ट कर दिया। आई होप कि आपको ये वाला बात समझ आ गई होगी, टू इधर मल्टीप्लाई इधर एट पर डिवाइड हुआ तो माइनस फोर हो गया। ठीक, अब यहां से ये लीनियर है, याद रखें, यहां से किसी एक को आपने सेपरेट कर लेना है, एक्स सेपरेट कर लें, वाई सेपरेट कर लें, जो आपको आसान लगता है कर लें। मुझे वाई सेपरेट करना यहाँ पर इजी लग रहा है तो मैं वाई सेपरेट करने लगा हूँ। मैंने वाई इज इक्वल टू लिखा माइनस फोर माइनस टू एक्स, और इसको मैंने कह दिया ये इक्वेशन थ्री थी, तो मैंने अब इसको कहा इक्वेशन फोर, और इसको बॉक्स करके ये उसी टाइप की कुछ इक्वेशन बन गई है, वाई बन गई है। पहले एक्स हम बनाते होते थे तो आप एक्स यहां से भी आप एक्स भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा क्वेश्चन, लेकिन शायद उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो, शायद नहीं यकीनन डिफरेंट होंगी। इसको मैं ऐसे स्टार भी बना देता हूं, खुश हो जाएं आप, ठीक हो गया। ये आपने इक्वेशन फोर जो है, सुने, आप इससे पहले जितनी भी इक्वेशन बन चुकी होंगी उनमें से किसी एक में प्लेस कर लें, लेकिन उसमें प्लेस करें जिसमें हमें आसानी हो। देखें जरा, वाई है हमारे पास, तो उसमें प्लेस करने की कोशिश करें जिसमें वाई एक ही दफा हो। कहीं यहां इस इक्वेशन में ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, इसमें वाई टू टाइम्स है। ठीक, इक्वेशन टू में यहां वाई एक दफा है। ठीक, इस इक्वेशन में भी अगर आप वाई प्लेस करेंगे तो फिर उसका आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो बेहतर ये है आप इससे पहले इक्वेशन थ्री टू और वन किसी एक में वैल्यू प्लेस कर लें जिसमें आपकी अपनी मर्जी है, आंसर विल रिमेन सेम, लेकिन उसमें प्लेस करें जिसमें वाई कम से कम हो। इसमें वाई टू टाइम्स है, देखें जरा, मैं अगर रेड से टिक कर दूं, ये और ये वाई टू टाइम्स है, तो दो दफा वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। इसमें y एक ही दफ़ा है तो एक दफ़ा प्लेस करनी पड़ेगी, इसमें y एक ही दफ़ा है, ये एक्चुअली यही बनया था, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे या इसका आप स्क्वायर लेंगे तो आपको दोबारा से स्क्वायर लेना पड़ेगा और स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। तो हम इसको किस में प्लेस कर रहे हैं, इक्वेशन टू में, आप बाकियों में करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसकी आप उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो हमने किया क्या, पुट y इज इक्वल टू, अगर आप x निकालते तो आप, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप x निकालते तो आप वहां पुट करते जहां x एक दफा था, यहां x या x टू टाइम है, तो फिर आप यहां प्लेस कर लेते तो आपको आसानी हो जाती। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है कि आपने सेपरेट क्या किया। हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू एक्स इन इक्वेशन टू में, टू में लिख देता हूं दोबारा से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू वन। वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, आगे करता हूं, बल्कि वैल्यू यहां प्लेस कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन आगे कर दूं, आगे कर देता हूं। मैंने एक्स के रेजिस्टेंस लिखा, प्लस y की वैल्यू थी माइनस फोर माइनस टू एक्स, माइनस फोर माइनस टू एक्स इसका होल स्क्वायर, चूंकि ये y स्क्वायर है तो मैंने y की वैल्यू प्लेस करके माइनस फोर माइनस टू एक्स उसका होल स्क्वायर बनाया प्लस फोर एक्स। अब मैं आपको यहां पर एक आसान बात बताऊं, ये माइनस वाला स्क्वायर आपके लिए सॉल्व करना जरा मुश्किल होगा, हम इसको बड़ा आसान कर लेते हैं, देखें जरा। वैसे हमने चैप्टर वन में 1.4 में इस तरह के बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह के काम किया हुआ है, अगर आपको नहीं याद तो दोबारा से देखें। एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मेरे पास रहा 4 प्लस 2x और इसका होल स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। मैंने सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए
माइनस कॉमन लिया इन दोनों से, माइनस बाहर आ गया तो 4 + 2x, माइनस का स्क्वेयर हमेशा क्या हो जाता है प्लस, तो खत्म हो गया। माइनस का स्क्वेयर क्या होता है प्लस, नेगेटिव का स्क्वेयर क्या होता है पॉजिटिव, तो वो खत्म हो गया। तो हमने a प्लस बी का सिर्फ स्क्वेयर ओपन करना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 एक्स प्लस 4x². आई होप कि आपको स्क्वेयर ओपन अब तक करना आ गया होगा। ये इधर प्लस 1 था, माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। मैंने इसी स्टेप में इस प्लस 1 को इधर लाया हूँ, तो इधर माइनस 1 हो गया और इधर क्या रह गया 0। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x² कितना बनेगा 5x² लिखें जी। बहुत गर्मी है, दिन के 4 बजे हैं और ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में बगैर एसी के और ऐसे काम करना है सच में टफ जॉब। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x² 5x² 16x प्लस 4x तो 20x और ये सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये और ये सॉल्व हो चुका है। 16 माइनस 1 तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना मुझे लग रहा है कि 5 को कॉमन लेके तो काम आसान किया जा सकता है, 5 कॉमन ले रहा हूँ। एक्स के प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास रह जाएगा एक्स के प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5। 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है 0। आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक की, 3 के ऐसे 2 फैक्टर के 4 बने, बड़े आराम से बन सकता है, दैट इज 3 और 1। तो एक्स के प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक की मैंने 4 को 3x प्लस x लिखा और इस 0 डिवाइडेड बाय 5 0 हो जाता है। ठीक है ना, पता है ना आपको, पता है ना सच्ची में, चलो ठीक हो गया। अब आपने पहले दोनों से और आखिरी दोनों से क्या करना है, कॉमन लेना, लें कॉमन जी। x इज इक्वल टू, सॉरी x कॉमन लिया तो x प्लस 3, कोई ना कॉमन आए तो 1 कॉमन आता है तो x प्लस 3, इसको 1 टाइम लिखूंगा x प्लस 3 और x प्लस 1। अब x की दो वैल्यूज आएंगी और x की दोनों वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में प्लेस करनी है, तो किसकी दो वैल्यू आएंगी, y की। x की दो वैल्यूज के लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3, आई होप कि आपको पता लग गया होगा, x प्लस 3 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये दोनों वैल्यूज आपने किस इक्वेशन में प्लेस करनी है, इक्वेशन 4 में बारी बारी, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेंगी, y की। x की दो वैल्यू आई हैं, पहले y की आती होती तो हम x फाइंड आउट करते थे, अब x की दो वैल्यू आई हैं तो किसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, y की। तो मैंने ऐसे लगाई लाइन, बाकी क्वेश्चन का पार्ट यहाँ करने लगा हूँ और पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 और पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 4। Put x is equal to minus 3 in equation 4. Put x is equal to minus 1 in equation 4. अब 4 जो इक्वेशन थी मैं रेड से लिख देता हूं, रेड है मेरे पास। y is equal to minus 4 minus 2x और y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x। करें जी वैल्यू प्लेस, एक दफा आपने x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लेस करना है और एक दफा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लेस करना है। करें जी प्लेस, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 6 y इज इक्वल टू 2। इसको भी निकाल लें, y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2। दो ऑर्डर पेयर आ गए। अब y की वैल्यू आई है तो x की पहले लिखनी है, ये नहीं कि ये वाली पहले और ये बाद में लिखें, ऐसा नहीं करना। x की वैल्यू पहले होती है ऑर्डर पेयर में हमेशा,
और वाई की वैल्यू बाद में तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर। और सेकेंड ऑर्डर पेयर फर्स्ट ऑर्डर पेयर है -3 और 2। सेकेंड ऑर्डर पेयर है -1 और -2। अब आपने क्या करना है इसको, इतनी मुश्किलों से दो ऑर्डर पेयर आपने फाइंड आउट किए हैं, अब आपने क्या करना है इनको सॉल्यूशन सेट में लिखना है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो है दैट इज -3, 2 और -1, -2। ये आपका आंसर। मैंने आपको ये क्वेश्चन 5 डिटेल से करवाया इस लेक्चर नंबर 57 में। लेक्चर 58 में मैं आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेक्चर 6 करवाता हूँ। अल्लाह आपका अमीन आसिर हो। जज़ाकअल्लाह।